हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो नंबर 16वीं है। हु इज़ एन ऑथर ऑफ द बुक डेंजर इन कश्मीर? जोसेफ कौर बिल। जोसेफ कौर बिल, फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, महतीर मोहम्मद वाजबाई, एजुकेशन इन मेडिकल डॉक्टर। इमस्टोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये नॉलेज के मुतलका स्टडी है। हु विच इंडियन पर्सनैलिटी सर्वड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएनओ जनरल असेंबली इन 1953 टू 54? वजीला किशमी पंडित इनका नाम था। इन्होंने 1953 से लेकर 1954 तक इंडिया की तरफ से प्रेसिडेंट रही हैं यूएनओ जनरल असेंबली की। इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएनओ आर रिप्रेजेंटेड? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर हैं वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। उस्ताद अल्लाह बख्श वाज अ फेमस ऑफ पाकिस्तान, ये एक पेंटर थे। डी बियर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन डायमंड इंडस्ट्री। हु वाज द फाउंडर ऑफ डी बियर्स कंसोलिडेट मीनिंग मीनिंग कंपनी? जॉन सीजल रुडेस। हु वाज द फर्स्ट यूएनओ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स के पहले यूएनओ के हाई कमिश्नर का नाम बताएं? जोसी एला लेसो। ये सवाल काफ़ी मरतबा पास्ट पेपर में आ चुका है। द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 इज आल्सो नोन एज मैनचेस्टर ट्रीटी, जो है ये यूरोपियन यूनियन की थी 1992 में। ये इंतहाई अहम है, ये भी काफ़ी मरतबा सवाल पूछा गया जा चुका है। यूरोपियन यूनियन की थी। किंग अब्दुल अजीज इब्न साद नेम्ड द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नाजद एज सऊदी अरेबिया इन 1932 में थे। 1930 से लेकर 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी, ये तीन कॉन्फ्रेंसें हुई थी 1930 से लेकर 1932 तक। ये हिस्ट्री का मैंने सवाल इसके साथ ऐड कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नोबल प्राइज विनर इज एसोसिएट विद इकोनॉमिक्स? ये अमर्त्या सेन थे, जिन्होंने पहला जो इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज विनर किया था, ये भी इंडियन के थे। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ द अफ्रीकन यूनियंस इज लोकेटेड, इसके मेंबर अफ्रीकन यूनियन जो हैं इनके 55 मेंबर हैं इस यूनियन के, और एडिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। एडिस अबाबा जो है ये इथोपिया का कैपिटल सिटी भी है। इथोपिया का कैपिटल सिटी एडिस अबाबा भी है। उसके बाद ये इजी सा सवाल है। द अर्थ टेक्स अबाउट टू कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, 24 आवर्स में ये अपना रोटेशन मुकम्मल कर लेती है। ये उसके बाद सवाल पूछा गया है कि गैस के मुतलका, कि वेन अ गैस टर्न्स इन टू अ लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन होता है, जो अब गैस जो है खुद को लिक्विड में चेंज कर लेती है, उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ब्रीड इज अ फिंगस। फिंगस ये जो होती है जमीन से उगती है, इसे फिंगस बोलते हैं। ये एक बीमारी है जो इंसानी जिस्म में लगती है, गले की बीमारी है। द डिसीज, इस गले की बीमारी को क्या नाम कहते हैं? डिफ्थेरिया जो है, डिफ्थेरिया जो है ये गले की बीमारी को कहते हैं।
डिफ्थेरिया गले की बीमारी को कहते हैं, ये सवाल था। डिफ्थेरिया गले की बीमारी को कहा जाता है। उसके बाद ये भी सवाल जो है इंतहाई अहम है कि नोबल इनाम जो है कब शुरू किया गया था, ये 1901 में किया गया था। इसे भी आपने याद करना है कि 1901 में नोबल प्राइज़ जो था वो शुरू किया गया था देना। द प्रेजिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अमंग इट्स मेंबर्स एवरी 1 मंथ के बाद जो है प्रेसिडेंसी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की काउंसिल की है वो खुद ब खुद ही एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होती है दूसरे मुल्क के पास जो इनके मेंबर्स हैं उसके पास चली जाती है, ये 1 महीने के लिए होती है। यूनेस्को जो है ये यूएनओ की ही ब्रांच है, एजेंसी है, विच डील्स विद एजुकेशन साइंस एंड कल्चर हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फ्रॉम एक्शन 1992 डील विद राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वोमेन। शर्मीन उबैदा चिनाई ऑफ पाकिस्तानी, ये एक औरत थी, इसने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, उसमें इसने अवार्ड जो हासिल किया था उस फिल्म में, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसका टाइटल क्या था, सेविंग फेस उसका टाइटल था। ये लैन कार्ड जो होते हैं ये उसके पूछ रहा है कि ये कंप्यूटर में कहाँ होते हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड का अब्रीवेशन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये है लैन कार्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑर्डर्ड वन आउट, इनमें से वो लफ्ज़ बताएं जो मुख्तलफ है, ऑर्डर्ड हार्ड डिस्क जो है इसमें मुख्तलफ है, बाकी जो है वो आरजी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है। लेड का वो मुखफ्फफ पूछ रहा है कि लाइटिंग अमिटिंग डोएड जो है ये इसका मुखफ्फफ है एलईडी का। उसके बाद चुबुर्जी है, इसके मुतल्लिक एक हिस्ट्री का इंतहाई अहम सवाल है, ये बायोलॉजिक चुबुर्जी इन लाहौर इज़ वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट्स बिलोंगिंग टू द मुगल पीरियड, इट वॉज रिपोर्टेडली बिल्ड एज अ गेटवे टू अ ब्यूटिफुल गार्डन फॉर प्रिंसेस जेबो निसा, शी वॉज एन अकम्पलिश्ड डॉटर ऑफ विच मुगल एम्पायर। ये इंतहाई अहम सवाल है, बाज़ अवकात इनका नाम पूछ लिया जाता है कि उस डॉटर का नाम बताएं, उसका नाम जेबो निसा था, बाज़ अवकात ये पूछते हैं कि वो किन की बेटी थी, औरंगजेब बादशाह मुगल एम्पायर जो थे उनकी ये बेटी थी। अल्लाह हाफिज़, उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।